सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल नई खबर, सब्सक्राइब करें और दबाएं इस घंटे को ताकि आप देख सकें हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट कुशल और आप देख रहे हैं नई खबर। हिंदू संस्कृति जो सबसे पुरानी संस्कृति है और जो आज भी जिंदा है, ये संस्कृति नहीं बल्कि जीने की कला है। हिंदू संस्कृति के तीन स्तंभ ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जो सृजन करते हैं, विष्णु जो पालन करते हैं और शिव जी जो विनाश करते हैं। जब दुनिया में पाप बढ़ जाता है तो भगवान विष्णु समय समय पर अवतार लेते हैं। ऐसे ही कल्कि अवतार के बारे में आपने सुना होगा, जो भगवान विष्णु कलयुग में लेने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कल्कि अवतार कब जन्म लेगा और कौन होंगे उसके माता पिता और कैसा होगा उसका स्वरूप और कल्कि अवतार लेने के बाद क्या होगा। तो चलो जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, कलयुग यानी कलह क्लेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वो ही कलयुग है। कलयुग की शुरुआत हुए लगभग 5000 साल हुए हैं। कलयुग की उम्र बहुत लंबी है, 432000 साल कलयुग की उम्र है, जिसमें से 5000 साल बीत चुके हैं, यानी 427000 साल अभी बाकी हैं। दोस्तों, आपने अपनी दादी नानी की कहानियों में जरूर सुना होगा कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब इंसान की हाइट जो होगी वो लगभग 1 फीट होगी और उसकी उम्र 7 साल होगी। अधर्म अपनी चरम सीमा पे होगा, धर्म का पालन करने वाला कोई नहीं होगा, भगवान को मानने वाला कोई नहीं होगा और दुनिया में कोई मंदिर नहीं होगा। भविष्य पुराण के अनुसार कहा जाता है कि तब भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार कल्कि जन्म लेगा। भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश में गंगा और रामगंगा के बीच बसे मुरादाबाद के समल गांव में होगा। कल्कि अपने माता पिता की 5वीं संतान होगी। कल्कि के पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। पिता विष्णु यश का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो सर्वव्यापक परमात्मा की स्तुति करता, लोक हितैषी हो, और सुमति का अर्थ है अच्छे विचार रखने और वेद पुराण और विद्याओं को जानने वाली महिला। भविष्य पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का रंग गोरा होगा, परंतु क्रोध से वो काला हो जाएगा। वो पीले वस्त्र धारण करेंगे और वो सफेद घोड़े में बैठकर, जिसका नाम देवदत्त होगा, दोनों हाथों में तलवार से वो दुष्टों का संहार करेंगे। भगवान कल्कि बहुत ही बलवान और अलौकिक शक्तियों के साथ जन्म लेंगे। वो जो भी सोचेंगे उनके सामने प्रकट हो जाएगा। कल्कि भगवान दुष्टों का नाश करेंगे, अधर्म और पाप को जड़ से खत्म करेंगे और नए युग की शुरुआत करेंगे। उस समय दुनिया फिर से सतयुग को देखेगी। भविष्य पुराण के अनुसार कहा जाता है कि भगवान कल्कि को शिक्षा देने हनुमान और भगवान परशुराम जी स्वयं आएंगे। अभी तो उन बुराइयों की शुरुआत ही हुई है। उस समय गंगा यमुना नदियां सूख जाएंगी, लोग मांस मछली ही खाएंगे, गाय दिखना बंद हो जाएगी, लोग भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे, बिना अमावस्या के सूर्य ग्रहण लगेगा, युग के अंत में प्राणियों का अभाव हो जाएगा, तारों की चमक बहुत कम हो जाएगी, पृथ्वी पर गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, तभी भगवान कल्कि जन्म लेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया या नहीं, या फिर आपके पास कोई सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दे जा जा धन्यवाद, जय हिंद।